जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में प्राधिकरण के सभागार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस समिट में 2 उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है तथा लखनऊ में 10 से 12 फरवरी को होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में स्थानीय स्तर पर निवेशकों के प्रस्ताव और निवेश पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उनकी समस्याओं को सुनकर उसके समाधान की पहल भी की गई, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवेशकों से जुड़ने, उनकी समस्याओं के निराकरण और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए उन्हें प्रेरित करने का है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में निवेशकों को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए प्रोत्साहित करना है। बैठक में निवेशकों को आकर्षित कर उनसे निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि होटल निको, ताज लोटस के अमरनाथ पांडे, एस्प्रा के अतुल सर्राफ, साकेत कुंज लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड के राजेंद्र प्रसाद जायसवाल, के कंस्ट्रक्शन एवं बिल्डर्स के जगदीश कुमार आनंद, शोभित मोहन दास, संजय अग्रवाल, पवन सिंघानिया, तन्मय मोदी समेत अन्य उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है। फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखा गया है। प्रदेश सरकार ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। इन्वेस्टमेंट के लिए 2000 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया है, लेकिन इससे अधिक के निवेश को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निवेशकों का पंजीकरण किया जा रहा है। होटल व्यवसाय में हाथ आजमाने के लिए निवेशकों के रुझान से काफी फायदा होगा। अभी तक 1300 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। इसके लिए MOU साइन हो चुके हैं। खोराबार योजना को भी हम जल्द लाने वाले हैं। इस अवसर पर जीडीए सचिव उदय प्रताप सिंह सहित उद्यमी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, एक माहौल बनाया जा रहा है और आपके लिए भी जो एक अनुकूल माहौल बनना चाहिए, सबसे पहले तो शांति व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था होती बनती तो काम बहुत ही सुंदर ढंग से होता है और अच्छे ढंग से होता है। लोग ये महसूस करते हैं कि हाँ, हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। हमारे नेतृत्व की, चाहे वो देश का नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, उसका ये लक्ष्य है, उसका ये विजन है, उसका ये सपना है कि वो समावेशी विकास करना चाहता है। कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति मौजूद है, हम उसके भी चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, हम उसको भी उदित होना देखना चाहते हैं, उसका भी उत्थान देखना चाहते हैं। अंत्योदय की हमारी धारणा है, यानी समाज का सर्वोन्मुखी विकास होना चाहिए। सर्वोन्मुखी विकास तभी संभव है, एक ही है, दो सब एक जगह जुड़े हुए हैं। मुक्तदर्शी और क्रियान्वित करने वाला, निगरानी करने वाला, और उसके साथ साथ में हमारी जो जनता है वो भी खूब जागृत हो, वो भी उसी तरह से उत्साह के साथ में काम करे। और इस मामले में देखा जाए तो जापान हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। नागरिक जहां के लोग बात-बात में ये सोचते हैं, बात-बात में ये कहते पाए जाते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। उत्तर प्रदेश शासन लोग भी उसको अभिषेक करेंगे। एक तो होता है कि नई टाउनशिप, बिल्कुल ग्रीन फील्ड टाउनशिप बनाना, एक लैंड पत्र आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें हम लोग टाउनशिप डेवलप करते हैं। पहले भी यहाँ पर हाईटेक टाउनशिप नीति रही है, इंटीग्रेट टाउनशिप नीति रही है। हाईटेक टाउनशिप नीति अब नहीं है, लेकिन इंटीग्रेट टाउनशिप की नीति बरकरार है। दूसरा जो होता है डी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इसमें हमारे सारे एरिया ऐसे हैं जो लो एफएआर के हैं, और जो कंसेप्ट होता है कि अर्बन एरिया टू नॉट, जो कुछ एरिया जहां पर डेंसिफिकेशन पॉसिबल है उसको डेंसिफाई किया जाए, उसके लिए भी जो हम लोग ने जो नीति बनाई है वो है जो TOD की है, यहाँ पर चालीस कुछ एड लाइक अगर मान लिया 2 हेक्टेयर वहाँ लॉट है, 2.5 हेक्टेयर लॉट है, वी कैन गो अप टू 5 एडिशनल ऑलमोस्ट। सर आज इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, कितने के
देखिए फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखा गया है और पूरा जो इसका एम है ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपने प्रदेश की इकोनॉमी को जीडीपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम कैसे पहुंचाएं, तो उसी क्रम में सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसका एक तरह से ट्रेलर के रूप में हर विकास प्राधिकरण और लखनऊ में एक हम लोगों ने एक अपने स्तर पर एक इन्वेस्टर समिट रखी है जिसमें पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को जिन्होंने हमारे साथ में इंटेंट साइन की है एमओयू वगैरह रेडी हुए हैं उन सबको हम लोगों ने यहाँ पर इन्वाइट किया है और उसके साथ में हम सब उनके साथ में इंश्योर करेंगे कि जो उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पे हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करा सकें। सर जनपद में कितने का लक्ष्य रखा है? हमारा प्रयास है कि टारगेट तो हमारा 2000 करोड़ रुपए का टारगेट है लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे कई गुना हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे। इसमें एक इन्वेस्ट यूपी का पोर्टल पे जाके आप इंटेंट यहाँ पे जारी कर सकते हैं, कोई भी पूरे वर्ल्ड से जो इन्वेस्टमेंट गोरखपुर में करना चाहते हैं वो अपना इंटेंट वहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं। ये होटल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसी क्रम में ऑलरेडी गोरखपुर में आप देखेंगे कि आपको रमाडा है, रेडिसन है और भी बहुत सारे होटल यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में होटल लोटस 5 स्टार के रूप में, ताज विवांता, मैरियट, ये सारे ऑलरेडी अंडर प्रोसेस हैं, या तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है या उनका इनिशिएट होने वाला है। इसके अलावा एक भूमि और थी हमारे पास में 2.35 एकड़, जो कि हमारे चंबादेवी पार्क और ताज विवांता जहाँ प्रस्तावित है उसके बीच में एक भूमि है, उसको भी हम लोगों ने एक विज्ञापन के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया है कि वो भी एक 3 स्टार होटल के लिए यहाँ पे वो अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर अभी कितने लोगों ने सहमति जताई है उस चीज़ों को? अगर अमाउंट की बात करूं तो मैं लगभग हमारे जो एमओयू साइन हो चुके हैं वो 1300 करोड़ रुपए के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के जो एमओयू साइन हो चुके हैं। इसके साथ साथ में आप सभी जानते ही हैं कि खोरावार योजना भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, तो वो प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। वो क्योंकि शासकीय प्रोजेक्ट है तो इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा बाकी इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग यहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं।